हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल सूर्य एजुकेशन हेल्प डेस्क में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों को जो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन हुआ है, आप लोगों को इंग्लिश का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सेट नंबर सी है, आप लोगों को 100 तक पूरी आंसर आप लोग बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए आप लोग बताते हैं। तो आज का जो फर्स्ट आंसर है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आप लोग का इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी नंबर, यानी ही इज इन गुड हेल्थ। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं दिया गया है सेकेंड में, दो नंबर क्वेश्चन में, आई बेन टू द मार्केट आई बाउट सर्वल थिंग्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को सी नंबर, यानी कि आई बेन टू द मार्केट एंड बाउट सर्वल थिंग्स। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है ट्राई, तीन नंबर में आप लोगों को दिया गया है ट्राई एंड यू विल सक्सेड। उसके बाद इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर, अगेन एंड अगेन। उसके बाद फिर चार नंबर में आइए, चार नंबर में आप लोगों को दिया गया है देयर इज ए विलेज दिस बिल्स। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं बिन, सी नंबर बिनेट। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है फाइव नंबर में, पांच नंबर में दिया गया चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर। उसके बाद छः नंबर में आइएगा, छः नंबर में आप लोगों को दिया गया है चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ पार्डन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर, यानी फॉरगिव। उसके बाद सात नंबर में आप लोगों को दिया गया है द सिनोनिम ऑफ थिन इज, जिसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी स्लिम। उसके बाद फिर आठ नंबर में आइए, आठ नंबर में आप लोगों को दिया गया है आई एम सरप्राइज एट योर बिहेवियर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, योर बिहेवियर सरप्राइज मी। उसके बाद नौ नंबर में आइए, नौ नंबर में आप लोगों को दिया गया द एंटोनिम ऑफ माइटी इज, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, वीक। उसके बाद फिर दस नंबर में दिया गया है आई एम गुड टेनिस, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दस नंबर का सी, यानी कि एट। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है ग्यारह नंबर में सी इज, उसके बाद ऑफ हर फॉल्ट्स। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कॉन्शियस। बारह नंबर में आप लोग आइए, बारह नंबर में दिया गया है पीपुल थिंक्स देयर विल बी पीस सून। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि मेनी। उसके बाद तेरह नंबर में दिया गया, तेरह नंबर में आप लोग को दिया गया है सिक्सटी पीपुल ए ह्यूज पार्टी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मीन्स। उसके बाद आप लोगों को चौदह नंबर में दिया गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बी नीड गुड फूड। पंद्रह नंबर में आप लोगों को दिया गया है एवरीबडी हैज टू हिज मिस्टेक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, पे फोर। देन उसके बाद आप लोगों को दिया गया सोलह नंबर में बी आर डिपेंडेंट हिज डिसीजन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑन। सोलह नंबर, सत्रह नंबर में आप लोगों को दिया गया है गॉड ब्लेस हर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मे। उसके बाद अठारह नंबर में दिया गया है बी मस्ट अप्रोच हिम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही मस्ट बी अप्रोच्ड। उन्नीस नंबर में आप लोगों को दिया गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, द मोर बी गेट द मोर बी बॉन्ड। बीस नंबर में आप लोगों को दिया गया है आई एम नॉट इंटरेस्टेड बाइंग ए न्यू कार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, फोर। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है इक्कीस नंबर में, इक्कीस नंबर में आप लोग देख सकते हैं दिया गया है ए लॉट ऑफ शिप्स क्रॉस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि द। बाईस नंबर में आप लोगों को दिया गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका जो सही उत्तर होगा आप लोगों का बी नंबर, सक्सेसफुल। तेईस में आप लोगों को दिया गया है आई सेल राइट ए लेटर। इसका जो सही उत्तर होगा तेईस का ऑप्शन नंबर डी, ए सेल लेटर विल बी रिटन बाई मी। चौबीस नंबर में आप लोगों को दिया गया ए मैन हु इज लाइक्ड बाई ऑल इज कॉल्ड। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पॉपुलर। पच्चीस नंबर में आप लोगों को दिया गया है ही इज ट्रू हिज फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टू। छब्बीस नंबर में दिया गया है स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टडी हार्ड अदरवाइज यू विल नॉट पास। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है सत्ताईस नंबर में एज आई सेड टू द गर्ल आई नो यू। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजय टोल्ड द गर्ल डेट ही न्यू हर। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है अट्ठाईस नंबर में, अट्ठाईस नंबर में यू हैव अनदर कप ऑफ टी। तो इसका जो सही उत्तर होगा अट्ठाईस नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिल। उनतीस नंबर में आप लोगों को दिया गया है योर परफ्यूम हैज ए वंडरफुल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असेंट। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है तीस नंबर में आई विल नॉट बी एबल टू इसका माय प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंप्लीट।
उसके बाद फिर आप लोगों को 31 नंबर में दिया गया है गिव वन बर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर फिट टू बी ईटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिबल। फिर 32 नंबर में आप लोगों को दिया गया है राइस एंड कैरी माई फेवरेट डिश। इसका जो सही उत्तर होगा 32 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज। उसको फिर 33 नंबर में दिया गया है ओपन द डोर प्लीज। इसका सही उत्तर होगा ओपन द डोर प्लीज। तो इसका जो 33 नंबर का सही जो आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोज। उसके बाद फिर आप लोगों को 34 नंबर में दिया गया ही आस्क्ड व्हाट इज द टाइम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ही आस्क्ड व्हाट द टाइम बाज। 35 में दिया गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 35 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा सी नंबर प्लेंटी। 36 में आप लोगों को दिया गया हैव यू रीड रामायण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी द। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया 37 नंबर में दिया गया है कि ए पर्सन हु राइट्स इंग्लिश करेक्टली विल गो इन दिस प्रोफेशन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फर्दर। उसके बाद फिर 38 नंबर में दिया गया है चूज द ऑड वन आउट। इसका जो सही उत्तर होगा डी नंबर यानी कि मैन। उसके बाद फिर 39 नंबर में दिया गया है आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टूडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 में आप लोगों को दिया गया है सी इज राइटिंग ए बर्थडे राइट नाउ। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मैसेज। 41 नंबर में आप लोगों को दिया गया है डू यू टी 85। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हैव। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कि 42 नंबर व्हाट इज द टाइम योर वॉच। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 43 नंबर में मोर देन 60 बॉयज फर्स्ट इन द फर्स्ट डिवीजन। तो 43 नंबर का आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैव। 44 नंबर में आप लोगों को हो जाएगा यू अलोन बेयर टू ब्लेम फॉर दिस। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यू बेयर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस एलोन। 45 में आप लोगों को दिया गया है द मैन केम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इमीडिएटली। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 46 नंबर में चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो 46 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा सी ए नंबर सी सफर्स एट फीवर। 47 में आप लोगों का दिया गया है 47 में द प्यून द बेल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी रिंग्स। 48 में आप लोगों को दिया गया है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नॉलेज। 49 में आप दिया गया है बी आर टाउट हिस्ट्री बाय मिस्टर कुमार। इसका जो सही उत्तर होगा 49 नंबर का आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद फिर दिया गया है 50 नंबर में ही हैव अराइव्ड बाई 4 PM। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिल। फिर आप लोग को दिया गया है 51 में आप लोग को इट वेन बी बेंट आउट। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर यानी बाज रनिंग। 52 में आप लोग को दिया गया है ही सेड डेट ही कुड डू इट। इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ही सेड आई कैन डू इट माई सेल्फ। उसके बाद 53 नंबर में डोंट डिस्टर्ब मी आई माई होमवर्क। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। 54 में दिया गया है माई फ्रेंड वांट्स टू परस्यूज ए करियर इंजीनियरिंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी प्रैक्टिस। 55 में आप लोगों को दिया गया है फिनिश इट टू डेज। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विथिन। 56 में दिया गया है श्वेता इन्वाइटेड विनीता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हरसेल्फ। 57 में आप लोग यहाँ दिया गया अवॉइड। इसका कहा जा रहा है कि करेक्ट वर्ड चूज करें। तो यहाँ पर आप लोग का जो सही उत्तर हो जाएगा 57 का ऑप्शन नंबर डी स्मोकिंग। 58 में दिया गया है सी नीड्स ए सूट। इसका करेक्ट ऑप्शन के लिए चूज करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए डज नॉट सी। 59 में आप लोगों को दिया गया है द फ्यूनरल आर ओवर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट्स। 60 में आप यहाँ दिया गया है 60 में बियर
वेयर द रेस्ट ऑफ द वॉयज, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 61 में दिया गया है टुडे इंग्लिश इज रिकोगनाइज एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन। 62 में आप लोगों को दिया गया है, 62 में रविन्द्रनाथ टैगोर रोड, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीतांजलि। 63 में दिया गया है मलोहन मालेंकर इज एन राइटर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इंडियन। 64 में आप लोगों को दिया गया 64 में हु रोड्स आर्म्स एंड द मैन, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर का ए जी बी शाह। 65 में दिया गया है ही हैड द लुक ऑफ बींग ए सिंपल हार्टेड मैन बेबेल सिंपल माइंडेड मैन इज टेकन फ्रॉम, तब 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द अर्थ। 66 में दिया गया है द पर्ल्स एस बक इज द राइटर ऑफ बुक्स लाइक, तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कम माई ब्लेब्ड। 67 में दिया गया है द नेम ऑफ लोम्बो ए डॉग इज, इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 नंबर का ऑप्शन नंबर बी गेस। 68 में दिया गया है नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ क्लास कैरेज, 68 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया 69 में भेन आई क्रम्पल हु बिल रिमेंबर इज टेकन फ्रॉम, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन इनेप्थ। 70 में आप लोगों को दिया गया है 70 में ए डस्ट हुम वॉरशेप्ड मेड अवेयर, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 70 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड। 71 में आप लोगों को दिया गया है ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ द ब्रेक्स द लॉ ग्रेविटी इज टेकन फ्रॉम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेक ए भिट्टी द मिस्ट्री कैट। 72 में दिया गया है टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू, तो 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेरिस। 73 में आप लोगों को दिया गया है एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट ऑफ देयर ही बाज एट द ट्रॉज बिफोर मी इज टेकन फ्रॉम, 73 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्नेक। 74 में दिया गया है हु रोट समर इन कोलकाता, तो 74 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमला दास। फिर दिया गया है 75 नंबर में इन वाटर डेलामार सॉन्ग्स देयर इज नोट ऑफ, तो 75 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेलाना चोली। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है माई टोंग एवरी ऑफ माई ब्लड फॉर्म डी फ्रॉम दिस सॉइल दिस एयर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एटम। 77 में आप लोगों को दिया गया विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ इंसिडेंट पीपुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडिया। 78 में दिया गया है द स्टेट ऑफ इज स्वेल्टरिंग विद द हार्ट ऑफ इंजस्टिंग एंड ऑपरेशंस विल बी ट्रांसफर्ड इन टू द ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 नंबर का ऑप्शन नंबर डी मिसिसिपी। उसको 79 में दिया गया है आर केयरफुल नोट टू द प्रेसेस, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 79 नंबर का ऑप्शन नंबर सी पॉलिटिशियन। 80 में आप लोगों को दिया गया है ओ फीबल इज मैन पावर इज टेकन फ्रॉम, तो 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द सोल्जर। 81 में दिया गया है आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट ऑफ मेनी ए थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम, तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 82 नंबर में दिया गया है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स इट इज अलाइव एंड डायनामिक्स इज टेकन फ्रॉम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत इज माई होम। 83 में दिया गया है द मदर ऑफ द नरेटर बाज वेरी कॉन्फिडेंट डैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज सी द मिनिस्टर्स, इसका 83 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वेन एवर ही वांटेड। 84 नंबर में दिया गया है अकॉर्डिंग टू मार्टिन लथर किंग जे आर लेट नोट बोलो द बेली ऑफ, इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 नंबर का ऑप्शन नंबर बी डिसअपीयर। 85 नंबर में आप लोग दिया गया है भेन द पोएट सादा स्नेक इट वाज ए वेरी डे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉट। 86 में दिया गया है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड भाट आई एज्यूम यू सेल एज्यूम, इसका सही उत्तर हो जाएगा 86 नंबर का
86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। 87 में दिया गया है अर्डन वॉन द पुलित्ज़र प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 88 में दिया गया है कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस इज टेकन फ्रॉम, 88 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओड टू ऑटोमन। 89 में दिया गया है बर्टरेंड ए डब्ल्यू रसल्स बाजे ब्रिटिश, तो 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोसफर। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द नेक्स्ट डे टीचर गेव्स सी बी कॉन्फिडेंट गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर हु वर्क इन द स्कूल इज टेकन फ्रॉम, 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द आर्टिस्ट। 91 में दिया गया है द बेज ऑफ मैगजीन चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर, इसका 91 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेनी एंड वेरिड। 92 में दिया गया है फ्री पीपुल मस्ट सी इट दैट व्हेन पीस कम्स इज रिस्टोर्ड, 92 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेस। 93 में हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास, 93 का दिया गया है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बाल्ट विटमैन। 94 में दिया गया है स्नेक बियर सीन अमोंग इन माई ग्रैंड मदर हाउस, 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुक्स। 95 में दिया गया है आप लोग का द एंग्लो सेक्शन यूज टू लैंग्वेज, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जर्मेनिक। उसके बाद फिर दिया गया है 96 में दिया गया न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड आफ्टर द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्वायर्ड, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम। देन उसके बाद 97 में दिया गया है द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ ईट्स, 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी। 98 में दिया गया है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्ड्स बैथ। देन आप लोग को 99 का दिया गया है द हेड ऑफ रीचिंग इफेक्ट्स ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, 99 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है 100 नंबर में इंग्लिश इज यूज एज इन फॉरेन लैंग्वेज इन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चाइना। तो आप लोगों को हमने 100 के 100 प्रश्नों का सही उत्तर आप लोगों को हमने बताया, और साथ ही जिनका भी पेपर कोड सी है उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।